एवरीवन, दिस इज मेघा एंड वेलकम ऑन टेक्निकल फ्रेंड चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ दिनों में दिवाली आने वाली है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू VFX ट्यूटोरियल, जिससे कि आप अपने पिक्चर से इस टाइप की वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको सबसे पहले इस रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड आप लोग इस बेल आइकन को भी क्लिक कर लोगे तो आपको मेरी न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग काइन मास्टर पे क्रिएट करेंगे, तो आपको सबसे पहले काइन मास्टर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। तो चलिए हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेती हूँ। ये ओपन हो गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे हम लोग वीडियो की साइज को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेनी है। तो यहाँ से हम लोग एक व्हाइट कलर की बैकग्राउंड को ले लेंगे एंड इसकी कलर को हम लोग ब्लू कर लेते हैं एंड इसकी साइज को हम लोग बढ़ा लेते हैं। इसके बाद यहाँ से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे मैं एक PNG को ऐड कर रही हूँ। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं एंड इसकी भी साइज को हम लोग फुल वीडियो तक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपने पिक्चर को ऐड कर लेनी है, जिसको आप लोग वीडियो में ऐड करना चाहते हो। फ्रेंड्स, आपको अपनी पिक्चर को कट करके ऐसे PNG बना लेनी है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया है। अगर आपको कट करनी नहीं आती तो मैंने इस पे भी वीडियो बनाया है, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से देख के अपनी पिक्चर को ऐसे कट कर लेना। इसके बाद इसकी भी साइज को हम लोग फुल वीडियो तक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं एक आरती की थाल की PNG को ऐड कर रही हूँ, इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं एंड लास्ट यहाँ पे हम लोग दीप की PNG को ऐड कर लेते हैं एंड इसकी भी साइज को हम लोग फुल वीडियो कर लेते हैं। इसके बाद आपको इस शेयर वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है एंड इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको बैक आ जानी है एंड फिर से इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है एंड फिर से हम लोग वीडियो की साइज को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने एक वीडियो प्रोजेक्ट को बनाया हुआ है, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और फ्रेंड्स, मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगी कि आप लोग कैसे इस प्रोजेक्ट को वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसके बाद यहाँ से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके हमने अभी जिसको एक्सपोर्ट किया उसको हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको क्रोमा की मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है एंड इसको हम लोग इनेबल कर लेते हैं एंड इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब इसमें हम लोग मूव एनिमेशन को ऐड करेंगे, तो आपको इस की वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है एंड जैसे ही वीडियो 4 सेकेंड्स पे आएगी तो इसको हम लोग प्लस कर लेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे इसको हम लोग एक बार और प्लस कर लेंगे एंड इसके बाद 11 सेकेंड में हम लोग इसको आगे करेंगे। तो फिर से प्लस पे क्लिक करके इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं एंड इसके बाद यहाँ से हम लोग 14 तक में यहाँ पे फिर से प्लस कर लेंगे एंड इसके बाद जब 18 सेकेंड होगा तो उसको हम लोग फिर से पीछे कर लेंगे एंड लास्ट जब ये वीडियो में इन होगा तो पहले ये यहाँ पे रहेगा। तो बस फ्रेंड्स, हो गई ये वीडियो एडिट। सॉन्ग इसमें ऑलरेडी ऐड है। इसके बाद आपको इस शेयर वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे आप वीडियो की साइज को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लोगे तो ये आपकी फाइल में सेव हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप मेरी वेबसाइट पे जाके वीडियो प्रोजेक्ट या मैं जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक देती हूँ, आप उस प्रोजेक्ट को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अपनी एक वीडियो को ओपन कर लिया है एंड चलिए हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कर लेते हैं एंड इसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट वीडियो को डाउनलोड करेंगे। तो आपको इस प्रोजेक्ट वीडियो वाले लिंक पे क्लिक कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी वेबसाइट ओपन हो गई है। इसके बाद आपको इस साइट के लोगो पे क्लिक कर लेना है एंड इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद सिंपली आपको अपनी ब्राउजर की सारे पेजेस को कट कर लेनी है, तो हम लोग यहाँ से सबको कट कर लेते हैं एंड इसके बाद आपको फिर से YouTube पे चले आना है एंड फिर से आपको इसी वाले लिंक पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद इसको आपको नीचे स्क्रॉल करना है। फ्रेंड्स, ये वेबसाइट पे एड्स आ रही है, तो आपको नीचे स्क्रॉल करनी पड़ेंगी एंड यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो।
तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ यार आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।